कोरोना काल में सबसे ज्यादा मांग लहसुन की रही। जिस भी किसान ने लहसुन लगाया था वे किसान आज बेहद खुश नजर आ रहा है। ये मांग लॉकडाउन के समय से अभी तक बनी हुई है। लहसुन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, यही कारण है कि लहसुन के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गौरतलब है कि खरीदार लहसुन को खरीदने सोलन नहीं आ रहा, बल्कि ऑनलाइन ही इसकी बिक्री हो रही है। ये जानकारी एपीएमसी के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि लहसुन की मांग भारत के कोने कोने से आ रही है। मांग बढ़ने से लहसुन की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए एपीएमसी के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने बताया कि लहसुन की मांग लगातार बढ़ रही है, यही कारण है कि लहसुन के रेट 150 रुपए प्रति किलो के कम दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने जब से ये बताया है कि लहसुन से इम्यून शक्ति बढ़ती है, तब से इसकी खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यही कारण है कि लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते सोलन का किसान बेहद खुश नजर आ रहा है। लहसुन में जैसे देखने में आया है कि काफी 150 रुपए से अब ही रेट मैक्सिमम रहा इस साल, तो इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि एक तो जो हमारे कोरोना काल है, तो कोरोना की जो एडवाइजरी जारी हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, आयुर्वेदा की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से, वो हुई है कि गार्लिक वगैरह खाने से जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसलिए शायद ज़्यादा कंजप्शन बढ़ी है इसकी। लहसुन के लिए व्यापारी कम आते हैं, वैसे ऑनलाइन ही इसकी मैक्सिमम व्यापार हो रहा है।